नगर निगम की पाबंदी के बावजूद शहर भर में पार्किंग माफियों का कॉकस हावी है। एमजी रोड सहित शहर के तमाम प्रमुख चौराहों पर अवैध रूप से पार्किंग संचालित हो रही है और गाड़ी पार्क करने के एवज में पार्किंग माफिया मोटी कमाई में जुटे हुए हैं। ग्राउंड जीरो से हमारे संवाददाता देवेश दीक्षित की इस रिपोर्ट को देखिए। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अवैध व्हीकल स्टैंड को लेकर खासे गंभीर बने हुए हैं। हाल ही में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने निर्देश दिए हैं कि किसी भी प्रकार अवैध रूप से पार्किंग या स्टैंड प्रदेश में संचालित नहीं होने चाहिए। इसके लिए उन्होंने जिला प्रशासन और पुलिस को भी खास तौर पर हिदायत दी है। सीएम योगी के इस निर्देश के बाद डीजी महाराजा न्यूज की टीम ने शहर की पार्किंग माफियाओं के हौसले किस कदर बुलंद हैं इसे लेकर ग्राउंड जीरो पर पड़ताल की तो पाया कि सबसे व्यस्त रहने वाला वीआईपी रोड, एमजी रोड सहित शहर के सभी प्रमुख चौराहों पर पार्किंग माफियाओं का बोलबाला है। जबकि बता दें कि नगर निगम द्वारा शहर भर में जो पार्किंग के ठेके उठाए गए थे उन्हें कुछ माह पूर्व निलंबित कर दिया गया था, जिसके बाद ये सभी पार्किंग स्थल अवैध माने जा रहे हैं। लेकिन पार्किंग माफिया स्थानीय पुलिस की साठगांठ से डंके की चोट पर लोगों से पार्किंग शुल्क वसूल रहे हैं। एमजी रोड स्थित शाह मार्केट में देखिए पार्किंग माफियाओं के हौसले किस कदर बुलंद हैं कि वे कैलाश प्लाजा कॉम्प्लेक्स के नाम पर वाहन खड़े करने वाले वाहन चालकों को रसीद थमाते हैं और शुल्क भी वसूलते हैं। हमारे संवाददाता देवेश दीक्षित इस पड़ताल को लेकर जब शाह मार्केट पहुंचे तो ये जानकारी बिल्कुल सही पाई गई। एमजी रोड सहित शहर भर के तमाम ठिकानों पर अवैध रूप से पार्किंग संचालित हो रही है। धड़ल्ले से पार्किंग माफिया अपने धंधे में मशगूल हैं। बता दें कि नगर निगम ने तमाम पार्किंग को इन दिनों प्रतिबंधित किया हुआ है, बावजूद इसके जो पार्किंग माफिया हैं उनके मंसूबे फल फूल रहे हैं। लगातार प्रशासनिक मॉनिटरिंग की जा रही है लेकिन कहीं ना कहीं स्थानीय पुलिस और इन पार्किंग माफियाओं की साठगांठ से यहाँ की पार्किंग चल रही है। ये स्थान आपको बता दें शाह मार्केट का है, यहाँ पर भी खुलेआम पार्किंग की वसूली की जा रही है जबकि नगर निगम की तरफ से ये पार्किंग बिल्कुल प्रतिबंधित है। यहाँ पर जो पार्क वाहन होंगे उनके लिए कोई भी शुल्क नहीं देना होगा लेकिन यहाँ पर जो शाह मार्केट का जो बेसमेंट है उस बेसमेंट में भी ये पार्किंग संचालित है, अंदर भी वसूली अलग होती है। पूरे बाजार में आप देख सकते हैं यहाँ पर कम से कम सैकड़ों की संख्या में दोपहिया वाहन खड़े होते हैं। इन दोपहिया वाहनों को खड़े करने के एवज में यहाँ के पार्किंग माफिया अवैध वसूली करते हैं। अगर उनसे कोई जिरह करता है तो कहीं कहीं नौबत यहाँ तक आ जाती है कि वो झगड़ बैठते हैं। किस तरीके की पार्किंग है, हम यहाँ पर व्यापारी नेता हमारे साथ में है, क्या नाम है? मेरा नाम सौरभ गुप्ता है। किस तरीके की पार्किंग नगर निगम ने यहाँ प्रतिबंधित की हुई है बावजूद उसके यहाँ पर शुल्क लिया जाता है? नगर निगम द्वारा तो करीब 6 महीने 8 महीने करीब हो गए यहाँ से पार्किंग बंद है। यहाँ पे अगर मार्केट के कुछ दुकानदार हैं जो मिलकर अवैध वसूली कर रहे हैं जबकि मार्केट के एसोसिएशन के नाम पे कर रहे हैं। मार्केट एसोसिएशन द्वारा अपनी तरफ से गार्ड लगाने के लिए कहा गया था दुकानदारों द्वारा, मगर यहाँ पे कुछ बाहर लोगों के साथ मिलकर यहाँ पे कस्टमर से अवैध वसूली कर रहे हैं, बदतमीजी भी करते हैं। यहाँ की जो बेसमेंट पार्किंग है वहाँ भी अवैध वसूली करी जा रही है। पुलिस का क्या रोल है यहाँ पर? पुलिस नहीं यहाँ पे इंटरव्यू, पुलिस यहाँ पे कोई ध्यान नहीं देती। तो कहीं ना कहीं बता दें आपको कि इन पार्किंग माफियाओं की साठगांठ जरूर है यहाँ स्थानीय पुलिसकर्मियों से, जिसकी वजह से जो नगर निगम के आदेश हैं, प्रशासनिक जो ऑर्डर हैं उन पर अमल नहीं किया जा रहा है और धड़ल्ले से ये पार्किंग संचालित हो रही है। तो देखा आपने कि इस शाह मार्केट में नगर निगम ने तो अपनी पार्किंग को निलंबित कर दिया था लेकिन स्थानीय व्यापारिक कॉम्प्लेक्स के नाम पर पार्किंग माफिया धड़ल्ले से पार्किंग संचालित कर रहे हैं और पुलिस प्रशासन का इन्हें कतई खौफ ही नहीं है। अब दूसरी तस्वीर हम आपको एमजी रोड की दिखा रहे हैं जहां पर आप देख सकते हैं कि कतार और व्यवस्थित तरीके से रोड पर सैकड़ों बाइक खड़ी हुई हैं, जबकि यहां पर बता दें कि एमजी रोड पर कोई भी पार्किंग अप्रूव नहीं है क्योंकि ये रोड बिजी रहता है जिसकी वजह से अक्सर यहां जाम के हालात रहते हैं। लेकिन ऐसी तस्वीरें बताती हैं कि नगर निगम हो या जिला प्रशासन, इनके आदेशों का इन पार्किंग माफियाओं पर कोई भी फर्क नहीं है। शहर में अवैध संचालित हो रहे ऑटो स्टैंड और पार्किंग को लेकर डीजी महाराजा न्यूज की टीम पहुंची वाटर वर्क्स पर तो यहां पर भी देखा कि चौराहे के आसपास बेतरतीब ढंग से ऑटो खड़े हुए हैं और बाकायदा इन ऑटो चालकों से ठेका तक वसूला जा रहा है। हैरानी इस बात की है कि इस चौराहे पर यातायात पुलिस की टीम सक्रिय रहती है और यातायात पुलिस को ये भी पता है कि नगर निगम द्वारा ये सभी ठेके निलंबित किए हुए हैं, बावजूद इसके पार्किंग माफियाओं का यहाँ राज है जो धड़ल्ले से उगाही करने में जुटे हैं। शहर भर के चौराहों में बिजली घर चौराहा एक विशेष महत्व रखता है क्योंकि इस चौराहे से ताजमहल और आगरा फोर्ट जाने के लिए भी रास्ता है और शहर के अन्य मार्गों के लिए भी। इस चौराहे से हजारों वाहनों का आवागमन रोजाना होता है। पार्किंग के लिहाज से चौराहे पर कभी बिजली घर चौराहा नगर निगम के राजस्व बढ़ाने में विशेष योगदान देता रहा है।
लेकिन नगर निगम द्वारा ठेका निलंबन की कार्रवाई के दौरान इस चौराहे पर भी पार्किंग ठेका प्रतिबंधित कर दिया, लेकिन बदस्तूर यहां पार्किंग माफिया अवैध रूप से पार्किंग और ठेका संचालित कर अपने मंसूबों को अंजाम दे रहे हैं। हम अपनी इस खबर में दिखा रहे हैं कि आगरा में तमाम जगह अवैध पार्किंग स्टैंड धड़ल्ले से संचालित है। क्यों नहीं कहा जाए कि पुलिस की साठगांठ से ये टेम्पो स्टैंड या अवैध पार्किंग संचालित हो रही है। एक नज़ारा मैं आपको यहाँ पर दिखाना चाहूँगा कि यह बिजलीघर चौराहा है और बिजलीघर चौराहे से पुलिस चौकी कितनी दूर है, आप उस चीज़ को देखिए। चेक पोस्ट, पुलिस पिकेट की चेक पोस्ट बिल्कुल ठीक चौराहे पर बनी हुई है, जहाँ पर पुलिस कर्मियों की ड्यूटी रहती है निगहवानी के लिए कि यहाँ पर कोई भी इस तरीके का काम संचालित ना हो जो कि कानून के दायरे से बाहर हो। अब एक नज़र आपको दिखाते हैं कि यहाँ से पुलिस चौकी कितनी दूर है, कितने कदमों पर है। ये तो आप देख रहे हैं पुलिस पिकेट चेक पोस्ट है, पीछे इसके चौराहे पर पुलिस चौकी बनी हुई है जो कि चंद कदमों की दूरी पर है। थाना रकाबगंज के अंतर्गत ये पुलिस चौकी आती है जिसे आगरा फोर्ट पुलिस चौकी कहते हैं। बिजलीघर चौराहे पर नगर निगम द्वारा जितने भी अवैध पार्किंग हैं सब पर रोक लगाई हुई है, अवैध स्टैंड्स पर रोक लगाई हुई है। बावजूद इसके धड़ल्ले से मिली भगत के जरिए ये सब पार्किंग स्टैंड संचालित हो रहे हैं और यहाँ से मोटी कमाई की जा रही है। पार्किंग के नाम पर राहगीर यात्रियों को उनसे बदसलूकी की जाती है, उनसे पैसे लिए जाते हैं। एक मोटा हिस्सा इस पूरे गेम का पुलिस को भी पहुंचता है, ऐसा सूत्र बताते हैं, जिसके आधार पर यह धंधा फल फूल रहा है। वीडियो जर्नलिस्ट अजीत कुमार के साथ डीजी महाराजा न्यूज़ के लिए देवेश दीक्षित।